हेलो फ्रेंड्स, नीट यूजी 2024 कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है और एक बहुत ही बड़ी दुख भरी बात है। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आप सबने देख लिया होगा। तो गाइज, अब किस तरीके से आपका एडमिशन हो सकता है, ये आप लोगों के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। नीट यूजी 2024 की जो एप्लीकेंट है उनके लिए बहुत बड़ा धोखा सामने आया है। गाइज, रिजल्ट देखने के बाद ये क्लियर हो गया, पेपर जो है वो किस लेवल पर लीक हुआ, किस लेवल पर नहीं हुआ, कितने स्टूडेंट्स को मिला और कितनों को नहीं मिला। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को ओपन करके ये बता देती हूँ किन किन स्टेट्स में अच्छे मार्क्स होने पर भी अब एडमिशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है किन किन स्टेट्स में रहने वाला है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स गेन कर लिए हैं, किनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट रहा है, आज तक का सबसे खतरनाक रिजल्ट रहा है ये। अब देखना यह है कि कोर्ट का जो फैसला आता है नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को लेकर, वो क्या फैसला आता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, या पेपर का जो लेवल है वो इतना इजी हो गया, या फिर पेपर इस लेवल पर लीक हो गया कि सबको ही मिल गया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, तो गाइस, सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने लिस्ट ओपन कर दी है नीट यूजी 2024 में जो टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। आप देख सकते हैं 13,16,268 टोटल क्वालिफाई हुए हैं। 24,00,000 कैंडिडेट्स ने नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया था, तो लगभग 60% जो है क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, किस कैटेगरी में कितने हुए हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ कितनी रही है नीट यूजी 2024 की, यहाँ पर क्लियरली मैंशन की गई है, आप लोगों के सामने है कितने कैंडिडेट्स किस कैटेगरी के अंदर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं बात कर लेती हूँ कि जो टोटल किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करूँगी यूपी स्टेट की। यूपी के अंदर जो टोटल क्वालिफाई नंबर ऑफ क्वालिफाई कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं, 1,65,047 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है यूपी में। तो टॉप वन जो रहेगा कट ऑफ या कंपटीशन वो यूपी के अंदर रहने वाला है। उसके बाद गाइस हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट की। महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे टोटल, मैं ओनली क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं एप्लीकेंट्स की, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की उनकी बात नहीं कर रही हूँ। 1,42,665 जो कैंडिडेट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर नीट यूजी 2024 में क्वालिफाई हो चुके हैं। थर्ड नंबर है राजस्थान स्टेट। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 1,21,240 कैंडिडेट्स टोटल क्वालिफाई हो चुके हैं। और गाइज, अगर सबसे बड़ी बात यह है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन कर लिए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सीरियल नंबर से आपको पता चल जाएगा टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ नीट रैंक, ये ऑल इंडिया रैंक दिया है, यहाँ से आप ये देख पाएंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनने ऑल इंडिया रैंक 1 गेन किया है, जिनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स है, और किन किन स्टेट के कैंडिडेट्स रहे हैं, ये यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइज, अब तक ऐसा होता है था तीन कैंडिडेट तक ऐसा हुआ था 2023 तक जिनने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स गेन किए थे, लेकिन अब तक का सबसे रिकॉर्ड तोड़, सबसे खतरनाक, सबकी नींद उड़ाने वाला जो रिजल्ट रहा है, पेरेंट्स की नींद उड़ चुकी है, बच्चों की नींद उड़ चुकी है, कोचिंग सेंटर्स की नींद उड़ चुकी है। गाइस, जो रिज़ल्ट जो सामने आया है, भयंकर रिज़ल्ट सामने आया है। देखिए, ये रिज़ल्ट है ऑल इंडिया रैंक 1। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नीट रैंक चल रहा है, ये सीरियल नंबर चल रहा है कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स रहे हैं। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर और यहाँ तक 67 कैंडिडेट्स ऐसे रहे हैं। और आप ये देखिए कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने टॉप ना किया हो, हर स्टेट का स्टूडेंट यहाँ पर निकला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किन किन स्टेट्स के निकले हैं तो आप ये देख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेहनत वाले स्टूडेंट इनमें नहीं होंगे, इनमें मेहनत वाले स्टूडेंट भी काफ़ी रहे होंगे, लेकिन पेपर इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं हो सकते, इतना रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट नहीं हो सकता। कुछ तो इन स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस हुआ है, कुछ तो इनके साथ गलत हुआ है, कुछ तो धोखा हुआ है, ये सभी अब मानने को तैयार है। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इस अकॉर्डिंग तो जो कट ऑफ है 650 पर भी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना नहीं रहेगी। गाइस, 720 पर भी ये मानिए एम्स दिल्ली आपको नहीं मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स ले लिए जनरल कैंडिडेट, उनको भी एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी बात है, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है, रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट आ चुका है। सब अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कितने कितने मार्क्स बने हैं, किसी भी चीज़ को लेकर डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, पेपर किस लेवल तक लीक हुआ है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो गाइस, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।